गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मंजू बाला फ्रॉम सूरज स्कूल बावल। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू ऑल आर फाइन। टूडे वी विल डिस्कस लेसन 6, अवर बॉडी। अवर बॉडी, लुक एट द कंप्यूटर केयरफुली। यू विल नोटिस दैट इट हैज डिफरेंट पार्ट दैट वर्क टूगेदर टू फंक्शन प्रॉपरली। बच्चों आपने कंप्यूटर तो देखा होगा, बच्चों आप इसको रीड खुद करेंगे, अभी मैं इसकी हिंदी थोड़ी बहुत बता रही हूँ आपको। तो ये जो आपने कंप्यूटर देखा होगा, जैसे कंप्यूटर के पार्ट है, एक जो सारे पार्ट है उसका जो फंक्शन है कार्यविधि, उसे सुचारू रूप से चलाने के, इस प्रकार हमारी जो बॉडी है उसमें भी विभिन्न पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के हिस्से को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट अवर बॉडी। सेल्स है, सेल्स जो है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ विच आवर लिविंग थिंग आर मेड। एक छोटी सी कोशिका होती है जिससे हमारे शरीर की संरचना बनी होती है। हमारे में बहुत से नंबर, बहुत सी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं। वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, दे डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार प्रकार में होती हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। और ये सारे मिलकर एक मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ऊतक दूसरे ऊतक जोड़ने से एक अंग बनाते हैं। वी कैन कम्पेयर अवर बॉडी विद अ हाउस, अवर सेल्स आर ब्रिक्स। जैसे हमारी बॉडी है उसका हम कम्पेयर कर सकते हैं, एक हाउस से कम्पेयर कर सकते हैं। अवर सेल्स आर लाइक ब्रिक्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ईटे हैं। टिश्यूज आर लाइक वॉल्स, जो हमारे टिश्यू हैं वो ऊतक हैं, वो हमारी दीवारों की तरह। ऑर्गनल लाइक रूम्स, और जो हमारे शरीर के अंग हैं जो होम हाउस है उसके कमरों के जैसे होते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो ऑर्गन है हमारे स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार का फंक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अवर ईयर हेल्प अस टू हेयर, हमारे जो कान है वो सुनने में मदद करते हैं। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, हमारे नोज है जो नाक है हमें सूंघने में हमारी मदद करते हैं। और आईज हमारी देखने में हेल्प करती है। अब ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्क टूगेदर एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं। ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल माउथ, फूड पाइप, स्टोमेक, ये सब हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। देयरफॉर दे आर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी कंपेयर स्केलेटन, इसमें कई होते हैं, स्केलेटन सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी हम अलग अलग से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम, कंकाल प्रणाली। अब द स्केलेटन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बोन्स व्हिच गिव शेप, अब जो स्केलेटन सिस्टम है, जो कंकाल प्रणाली है, हमारे शरीर को जो है एक शेप आकार प्रदान करता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द, जो हमारे अंदरूनी हिस्से है उसकी रक्षा करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो स्कल है वो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। इस प्रकार जो टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड एट ज्वाइंट, जो एक या दो ज्वाइंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इससे बॉडी पार्ट्स को एक शेप प्राप्त होती है, एक आकार प्रदान होता है। मांसपेशियों की प्रणाली, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों की प्रणाली। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स से मिलकर बना हुआ। मेन फंक्शन, मसल्स हेल्प अस टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो हमारी मूवमेंट होती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान की मूवमेंट करते हैं, चाल करते हैं, उसको नियंत्रित करता है। फॉर द रीजन मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, बोन्स से कनेक्टेड रहते हैं। इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कनेक्ट एंड रिलैक्स, सम मसल्स मूव्स ऑन देयर ओन, वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम, द मूवमेंट ऑफ कंट्रोल्ड बाय अस। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स कंट्रोल द ब्रेथिंग ऑफ द हार्ट, हमारे जो हार्ट है, हमारे जो दिल है उसकी ब्रेथिंग, जो सांस लेने की होती है उस पर भी कंट्रोल करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, संचार प्रणाली है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जो हमारे हार्ट है, दिल है और ब्लड है, रक्त है, और रक्त वाहिकाओं को में काम आता है। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आर पार्ट, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमारे सर्कुलेटरी संचार प्रणाली, ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों में और दूसरे हिस्सों में भेजने के लिए जरूरी होता है। द हार्ट इज मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है इसका एक मुख्य हिस्सा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, जो रक्त वाहिकाएं हैं एक बॉडी पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने में मदद करती हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डील विद ब्रीथिंग इन नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द, ये जो श्वसन तंत्र है वो जो ऑक्सीजन है शरीर के दूसरे हिस्सों में भेजने में मदद करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपेयर माउथ, नेसल, थ्रोट, विंड पाइप आदि। अब है डिजेस्टिव सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र। डिजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का जो पाचन होता है इसमें होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज
changing into food start into can easily absorbed by the body. Mouth, food pipe, stomach, large, small intestine make up digestive system. जो छोटी आंत, बड़ी आंत, stomach, food pipe, भोजन नली आदि ये सब बच्चे digestive system की picture बने. Digestive system begin in the mouth. Mouth से begin होता है. Here is the mouth mixes with saliva and become soft. जो इसका सारा भोजन का तंत्र होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन प्रणाली रिमूव ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इसमें जो उत्सर्जन प्रणाली में है जो हमारे शरीर का उत्सर्जन प्रणाली यूरिन गुर्दा जो होता है ना ये सारा कुछ जो उत्सर्जन एक्सक्रेटरी सिस्टम में होता है. हमारे शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है सारा. तंत्रिका तंत्र में क्या होता है इसमें कंट्रोल करता है ऑल पार्ट वॉकिंग सीइंग ब्लेइंग जो हमारे जो सिस्टम होता है सारा वो जो कहाँ होता है वो तंत्रिका तंत्र में होता है. प्रजनन प्रणाली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोडक्ट यंग वंस. जो हमारे यंग वंस बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो सारी प्रजनन प्रणाली में होती है. अब इसमें बच्चों आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको फिल कर रखा है. रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स विंड पाइप थ्रोट माउथ एंड नेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों हार्ट ब्लड ब्लड वेसल्स. मस्कुलर सिस्टम है बच्चों मसल्स. नर्वस सिस्टम है बच्चों ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस. एक्सक्रेटरी सिस्टम है बच्चों किडनी. और डिजेस्टिव सिस्टम माउथ फूड पाइप स्टोमेक लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर्म्स. आपको बच्चों इसे फिल करना है. अब फिलिंग द ब्लैंक्स है. सेल्स ऑफ सेम साइज शेप एंड फंक्शन एंड ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑल वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द एयर मूव्स थ्रू डाउन द विंड पाइप एंड रीचेज अवर लंग्स. ज्वाइंट अलो द बैंड और ट्विस्ट अवर बॉडी पार्ट्स. द हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. टेक द करेक्ट वंस. टू और मोर ज्वाइंट आर कनेक्टेड एट मसल्स टिश्यू ज्वाइंट ऑर्गन. ज्वाइंट A group of organ that work together to perform a particular task is called of an organ system. Cells, tissues, joint organ system. The system that help us to protect young ones is the nervous system, skeletal system, reproductive system and digestive reproductive system. The system that deals with breathing is known as respiratory system. बच्चों अब एक web chart है human body का. Skeletal system, circulatory system, digestive system, excretory system, nervous system, muscular system, reproductive system और respiratory system. अब circle the odd one है. Brain, spinal cord, nervous, blood बच्चों odd है. Mouth, food pipe, wind pipe, stomach, intestine, wind pipe, kidney, skin, muscles, lungs, muscles, lungs, wind pipe, throat, bone, muscles, bones. अब बच्चों आपको अच्छे से एक्सरसाइज फिल करनी है और लर्न करनी है. लेसन को भी रीड करना है. थैंक यू स्टूडेंट.